40,000 के रेंज में अभी दो नया बेहतरीन स्मार्टफोन आया है दोस्तों, Realme GT 6 जो कि अभी अभी आया है और Xiaomi 14 CB जो कि अभी 4-5 दिन पहले ही आया है। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, इन डिटेल कंपैरिजन करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो बिना स्किप के एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं। Realme GT 6 का जो डिजाइन है वो अच्छा दिया गया है, इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता है लेकिन फिर भी अच्छा डिजाइन में ऐसा बोलूंगा दोस्तों। लेकिन 40,000 अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो थोड़ा प्रीमियम डिजाइन आपको तो चाहिए होगा जो कि दिया गया है Xiaomi 14 CV में। यहां पे आपको बहुत ही प्रीमियम वेगन लेदर और ग्लास का कॉम्बिनेशन वाला बैक दिया गया है जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है दोस्तों। और जो फ्रेम है यहां पे मेटल दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। Realme GT 6 में आपको प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। तो अभी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। यहां पे Realme GT 6 में आपको 6.78 इंचेस का 1.5K LTPO कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है दोस्तों। यहां पे Xiaomi 14 CB में आपको 6.55 इंचेस का 1.5K क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। क्वाड कर्व्ड मतलब उसका चारों साइड थोड़ा-थोड़ा कर्व किया गया है दोस्तों जो कि आपको थोड़ा बहुत प्रीमियमनेस का फील देगा। और दोनों का जो डिस्प्ले टाइप है वो 12 बिट डिस्प्ले है दोस्तों। इसमें आपको कलर वगैरह बहुत ही अच्छा आएगा नो डाउट। और रिफ्रेश रेट भी दोनों में आपको सेम 120Hz का देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो Realme में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगा, 6000 nits का पीक ब्राइटनेस, जबकि आपको Xiaomi में 3000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। 3000 nits इस प्राइस के हिसाब से कम नहीं है दोस्तों, सफिशिएंट है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है जो कि अच्छी बात है। लेकिन Xiaomi में दोस्तों ट्यूवी रेनलैंड के तरफ से आपको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है लो लाइट और फ्लिकर फ्री का जो कि अच्छी बात है। तो डिस्प्ले ओवरऑल अगर कंपेयर करें तो दोनों का डिस्प्ले मैं सेम ही कहूंगा दोस्तों। कुछ चीजों में ये थोड़ा बेहतर है, कुछ चीजों में ये, लेकिन दोनों का डिस्प्ले नेक टू नेक है, किसी का भी डिस्प्ले बुरा नहीं है। तो डिफरेंशिएट कैसे करें, आगे बढ़ते हैं। अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस में भी दोस्तों वही हाल है, यहाँ पे दोनों में आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। दोनों ही 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है और यहाँ पे आपको जो अंतुतु स्कोर है वो करीबन 1.5 मिलियन देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस आपको इसमें बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा और रीड राइट स्पीड वगैरह भी अच्छा होगा क्योंकि दोनों में आपको LPDDR5X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप देखने को मिल रहा है। UI के बारे में बात करें तो Realme में आपको Realme UI 5.0 मिल रहा है Android 14 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। यहाँ पे Xiaomi में आपको HyperOS मिल रहा है जो कि ऑल्सो बेस्ड है Android 14 के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो डिस्प्ले में तो थोड़ा 19:20 था लेकिन परफॉर्मेंस में कोई 19:20 नहीं है, एकदम सेम टू सेम है, सेम ही प्रोसेसर, सेम ही परफॉर्मेंस, सेम स्पीड, सब कुछ दोस्तों सेम देखने को मिलेगा। तो इसमें भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कैमरा के तरफ। यहाँ पे Realme GT 6 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल रहा है जहां पे प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। इसमें आपको दोस्तों सोनी LIT 808 कैमरा सेंसर देखने को रहा है। तो प्राइमरी फोटोग्राफी इसमें डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और एक दिया गया है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा विद सोनी IMX355 कैमरा सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है जिसमें आपको Samsung JN5 कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ यहां पे आपको 2x ऑप्टिकल जूम मिल रहा है। तो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस इसमें Realme GT 6 में आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन जब हम Xiaomi 14 CV के बारे में बात करें तो यहां पे भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल रहा है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। कॉन्फ़िगरेशन मोटा मोटी सेम ही दिया गया है दोनों में, लेकिन इसका दोस्तों Xiaomi का Leica के साथ कोलैबोरेशन है तो इसमें डेफिनेटली आपको फोटोग्राफी बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा Realme के कंपैरिजन में। मैं मानता हूं बाकी सभी फोन में अगर आप सेम रेंज का Xiaomi और Realme के फोटोज को कंपेयर करें, कैमरा को कंपेयर करें, तो Realme ही जीतता था, लेकिन यहां पे सीन थोड़ा उल्टा है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है लेकिन अगर आप नेक टू नेक कंपेयर करेंगे तो Xiaomi का कैमरा थोड़ा अच्छा रहेगा Realme GT 6 के कंपैरिजन में। और उतना ही नहीं, फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो Realme में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है लेकिन यहां पे Xiaomi में आपको 32 मेगापिक्सल का दो कैमरा मिल रहा है, एक मेन कैमरा और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो यहाँ पे ग्रुप सेल्फी वगैरह बहुत ही अच्छी तरह से आने वाला है तो सेल्फी में भी आपको यहाँ पे अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कैमरा मैं कहूंगा Xiaomi 14 CB में थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा Realme GT 6 के कंपैरिजन में। और वीडियो के बारे में बात करें तो दोनों ही फोन के रियर कैमरा में आप 4K वीडियो 60fps में शूट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब बैटरी के बारे में बात करते हैं तो Xiaomi थोड़ा पीछे रह जाता है। यहाँ पे Realme में आपको 5500 mAh की बैटरी मिल रहा है 120W के फास्ट
चार्जिंग के साथ, लेकिन Xiaomi 14C भी में आपको 4700 mAh की बैटरी मिल रहा है विद 67 वाट फास्ट चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग किसी में भी नहीं इस रेंज के फोन में देना चाहिए था दोस्तों। मोटोरोला इसका 22-23 हजार रुपए के फोन में भी लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे तो देना चाहिए था। और बाकी सारी चीज भी दोस्तों सेम टू सेम दिया गया है। दोनों में आपको 5G मिल रहा है, Vivo NR मिल रहा है, 12.4G वोल्टी मिल रहा है, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, IP54, एकदम सेम टू सेम सब दिया गया है दोस्तों। और अभी प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे Realme GT6 का जो बेस वाला वेरिएंट है वो है दोस्तों 8GB रैम विद 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसका कीमत है 40,999 रुपीस। और टॉप वाला वेरिएंट है 12GB रैम विद 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसका कीमत है 42,999 रुपीस। यहाँ पे Xiaomi 14CB में आपको सेम दो वेरिएंट देखने को मिलता है। बेस वाला वेरिएंट है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसका कीमत है 42,999 रुपीस। और टॉप वाला वेरिएंट है 12GB रैम 512GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसका कीमत है 47,999 रुपीस। तो अगर कंपेयर करें बेस वेरिएंट दोनों में आपको सेम 8 256GB का मिल रहा है, लेकिन प्राइस 2000 रुपए ज्यादा है Xiaomi का, लेकिन वो जस्टिफाइड है दोस्तों। इसका जो कैमरा दिया गया है, जो क्वाड कॉप डिस्प्ले दिया गया है, जो मेटल फ्रेमिंग दिया गया है, वो इसे 2000 ज्यादा बनाना जस्टिफाई करता है दोस्तों। तो डेफिनेटली ये दो फोन के कंपैरिजन बहुत ही नेक टू नेक है। दोनों में से आप अगर किसी को भी खरीदते हैं तो आप लॉस में नहीं रहेंगे, आपके लिए दोनों ही बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर थोड़ा 19-20 की बात करें, Xiaomi 14C भी थोड़ा बेहतर है Realme GT6 के कंपैरिजन में। तो इतना ही था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक टेकफिन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। सो मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।